Installation of Microsoft Office 2003। Microsoft Office 2003 को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने सीडीज पे ब्राउज करूँगा और वहाँ से फोल्डर पे आ जाऊँगा एमएस ऑफिस 2003 के। तो मेरे पास ये चंद चीज़ें शो करेगा मुझे कंप्यूटर। तो एक मेरे पास है सीरियल की, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ। तो मुझे ये शो कर रहा है सीरियल की एमएस ऑफिस 2003 के। तो अब इसे इंस्टॉल करने के लिए मैं प्रो 11 पे क्लिक करता हूँ। ये तमाम जितने भी आइकन है ये मुझे शो कर रहे हैं कि ये सब सेटअप फाइल्स हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि तो ये निशानी होती है इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो ये कुछ फाइल्स हैं अब मेरे सामने। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट की बताए, यानी सीरियल की। अब मैं इसमें ये ऐड करता हूँ सीरियल की। तमाम वर्ड को मैं कॉपी करता हूँ वन बाय वन। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है यूज़र नेम, इनिशियल और ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो यूज़र नेम मैं दे देता हूँ मोहम्मद उमर शेख। इनिशियल जो है मैं डैश दे देता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन ए के ट्रेडर। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब ये मुझे एग्रीमेंट शो कर रहा है, इससे मैं कर देता हूँ आई एक्सेप्ट नेक्स्ट। अब ये मुझसे ड्राइव पूछ रहा है आप कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली सी को चेंज करके ई ड्राइव दे देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ई ड्राइव में जो हूँ इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब ये मुझे चंद ऑप्शन जो है प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर। रिकमेंडेड इंस्टॉल यानी टिपिकल, यानी आप पूरा इंस्टॉल करें। दूसरा चूज द अनदर टैब, कंप्लीट, मिनिमल और कॉस्टम इंस्टॉल। तो यहाँ से अगर मैं कॉस्टम इंस्टॉल करूँ तो ये मुझे कुछ ऑप्शन देगा कि आप क्या वो चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं एमएस ऑफिस की। तो मैं यहाँ से कॉस्टम इंस्टॉल करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करना चाहते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इन्फोपार्ट, एक्सेस और पब्लिशर। तो मैं यहाँ से दोबारा बैक आता हूँ। एक मेरे पास है मिनिमल इंस्टॉल, जो कंप्यूटर खुद ब खुद एक छोटा सा मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लेगा जो मेरे कंप्यूटर के लिए सूटेबल होगा। और इससे ऊपर है कंप्लीट इंस्टॉलेशन, यानी एमएस ऑफिस की कंप्लीट तमाम फाइलें ये इंस्टॉल करेगा मेरे कंप्यूटर में, जो काफ़ी हैवी हो जाएगा। और रिकमेंडेड यानी कि मेरे कंप्यूटर के मुताबिक आप इंस्टॉलेशन करें, जितनी मेरी फाइल्स है, जितना मेरा डेटा रिमेनिंग है, उस लिहाज से आप इंस्टॉल करें। तो यहाँ से मैं कस्टम इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें इंस्टॉल करना चाहता हूँ एमएस ऑफिस की, जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। आउटलुक को मैं अनचेक कर देता हूँ क्लिक करके, एक्सेस, पब्लिशर सबको अनचेक कर दिया। मैं ये तीन चीज़ें इंस्टॉल करना चाहता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब ये तीन चीज़ें मुझे शो कर रहा है और बाकी मैं क्रॉस आ गया। स्पेस रिक्वायरमेंट ऑन ई 95 MB स्पेस अवेलेबल ऑन, ये मुझे इतना बता रहा है, इंस्टॉल कर देता हूँ। अब प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा इसमें इंस्टॉलेशन होने में। इंस्टॉलेशन जो है अब कंप्लीट हो गई। अब मुझे ये कुछ ऑप्शन बता रहे हैं कि आपकी जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ और अपने इस फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ। स्टार्ट पर क्लिक करके चेक करता हूँ कि ऑफिस इंस्टॉल हुआ है प्रॉपरली या नहीं। ये तमाम मुझे ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इससे मैं ऊपर ले जाता हूँ ट्रैक करके इस जगह।